हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ मेडिसिंस में, जहां आपको मिलती है मेडिसिंस के बारे में कंप्लीट एंड राइट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं थकावट से, या फिर आपको बहुत भूख नहीं लगती है, गाल पिचके रहते हैं, या आप हल्का सा भी बैठ जाते हैं और बैठ के उठते हैं तो आपकी आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता है, चक्कर आता है, कमज़ोरी बहुत ही ज़्यादा महसूस होती है, तो आज का वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए है। क्योंकि आज मैं एक ऐसे मल्टीविटामिन कैप्सूल के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैप्सूल है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रही हूँ डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में। ये डेक्सोरेंज कैप्सूल तो कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और सीरप फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप फ्रेंड्स सीरप वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। उस मैंने डेक्सोरेंज सीरप का भी वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, बट आज मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो मैं डेक्सोरेंज कैप्सूल को ही टारगेट आज मैंने किया है, उसी पे बात करेंगे, कंप्लीट रिव्यू उसका जानेंगे कि डेक्सोरेंज जो कैप्सूल है उसका यूज़ कब कब करना चाहिए, किस किस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा ये दिया जाता है, कितने दिन कंटिन्यू आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका यूज़ करने का सही तरीका होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो को देखते रहें जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए। तो फ्रेंड्स आइए फिर से बात कर रही हूँ डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में। तो ये जो डेक्सोरेंज कैप्सूल है ये कांच की बॉटल में, ग्लास की बॉटल में आपको मिलती है और एक बॉटल में 30 कैप्सूल होते हैं। 30 कैप्सूल लगभग आपको 150 रुपये के मार्केट प्राइस पे किसी भी मेडिकल स्टोर पर ईजिली मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ब्रांडेड है या बहुत पुराना कैप्सूल है, इसलिए इजीली हर मेडिकल स्टोर पर ये अवेलेबल रहता है। इसके अगर यूजेस के बारे में फ्रेंड्स बात करें कि डॉक्टर कब कब ये जो कैप्सूल है कब कब आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर किसी महिला को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ड्यूरिंग पीरियड में बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, कंटिन्यू 8 से 10 दिन तक ब्लीडिंग चल रही है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा ये डेक्सोरेंज कैप्सूल दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर किसी महिला की डिलीवरी हुई है तो आफ्टर डिलीवरी भी बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से कमज़ोरी आने पे भी डॉक्टर के द्वारा डेक्सोरेंज कैप्सूल दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो पाइल्स में भी क्या होता है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस टाइम भी वीकनेस आ जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो भी डॉक्टर के द्वारा डेक्सोरेंज सीरप या फिर कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर किसी को एक्सीडेंटल कोई केस है या फिर किसी की अगर किसी भी टाइप की सर्जरी हुई है तो पोस्ट सर्जरी और पहले भी इसको दिया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट है जिसकी सर्जरी होनी है, उसको एनीमिया की प्रॉब्लम है या खून की कमी है, तो डॉक्टर के द्वारा पहले भी इस कैप्सूल को दिया जाता है और आफ्टर सर्जरी तो दिया ही जाता है, क्योंकि वीकनेस आ जाती है, जो ब्लड लॉस होता है उसको रिकवर करने के लिए डेक्सोरेंज कैप्सूल दिया जाता है। तो ये तो इसके मेन फ्रेंड्स यूजेस हो गए। इसके अलावा अगर किसी को भूख नहीं लगती है, गाल पिचके हैं, बहुत थकावट रहती है, कोई हल्का सा काम करते हैं और थक जाते हैं, तो भी डॉक्टर के द्वारा ये कैप्सूल दिया जाता है फ्रेंड्स। लेकिन जो डेक्सोरेंज कैप्सूल है ये OTC प्रोडक्ट की तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि बिना डॉक्टर के पर्चे के भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है तो आपको इसके प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी जाके ले सकते हैं, बट सही तरीका इसका यूज़ करने का आपको पता होना चाहिए। जो ये सही तरीका यूज़ करने का है फ्रेंड, तो ये कैप्सूल दिन में एक ही बार दिया जाता है, आप नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध से लेते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है, और इसको आफ्टर मील खाने के बाद देने की सलाह दी जाती है। अगर साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें कि डेक्सोरेंज कैप्सूल के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो फिलहाल ये मल्टीविटामिन है तो कोई ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, फिर भी किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, नौजिया वोमिटिंग जैसी भी फील होने लगती है, या फिर स्टूल का कलर डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर दूसरे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो अपने डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट कर लें, जिससे कि इस कैप्सूल के अलावा आपको दूसरा कोई कैप्सूल दिया जा सके। ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो गए। इसको कितने दिन तक यूज़ करना चाहिए, तो आप 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो अपने डॉक्टर के कंसल्ट पे ही आप इसको काफ़ी दिन तक यूज़ कर सकते हैं, कोई इसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है।
बट ये नहीं कि आप 3-4 साल तक कंटिन्यू आप खा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी करते हैं तो अपने डॉक्टर की कंसल्ट पे ही करें, ये डॉक्टर के टच में रहें कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ गया है या नहीं। अगर एनीमिया की प्रॉब्लम है, आपने ब्लड टेस्ट कराया है, हीमोग्लोबिन आपका बहुत कम आया है, तो आपको ये डॉक्टर 2 बार भी देने की सलाह दे सकता है। मतलब कि यह सुबह शाम 2 बार भी आप ले सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। अगर नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो एक ही लेना है। ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, एनीमिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खून बहुत ही बह चुका है, कम हो गया है, तो 2 बार भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।